दोस्तों आपने कहावत तो सुनी होगी कि मोटा पैसा कमाने के लिए मोटे पैसे की चुम्बक की लगानी पड़ती है। मतलब अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है तो आपको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना होता है। हालांकि जो डायलॉग है ये हर किसी में फिट नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर ये डायलॉग फिट होता है। अब आप बात कर लीजिए, अगर आपको किसी डॉक्टर लेवल की किसी भी पढ़ाई करनी है आपको, तो आपको बहुत अधिक पैसा लगाना होगा। आप सभी जानते होंगे कि आप अगर MBBS की तैयारी करते हैं तो आपको करोड़ों रुपये में इन्वेस्ट करना होगा। और जब कोई भी व्यक्ति MBBS कर लेता है तो उसको पता होता है कि उसने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करे हैं, तो उसके बाद में जब वो डॉक्टर बन जाता है तो उसकी फीस भी बहुत ज़्यादा होती है, उसके क्लिनिक जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, जिसका परिणाम ये होता है कि उसकी जो फीस महंगी हो जाती है, जिसकी वजह से जो गरीब लोग होते हैं वो अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई उसमें हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इतनी ज़्यादा महंगी पढ़ाई पढ़ते भी हैं, किसी भी तरीके से चाहे वो पढ़ें, वो सिर्फ पढ़ते हैं सेवा करने के लिए। जो भी अपनी डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, जो भी उपलब्धि वो लेते हैं, फिर लोगों की सेवा करने के लिए सिर्फ वो लेते हैं। तो इसी में जो एक नाम आता है वो है शंकर गौड़ा। ये आप फोटो देख रहे हैं, शंकर गौड़ा है, ये कर्नाटक में एक जिला पड़ता है कैमडुआ, जहाँ से बिलोंग करते हैं। तो इनकी स्टोरी क्या है और ये क्या करते हैं, मैं आपको इसमें वीडियो में आपको यही बताऊँगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक और चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना, और जो भी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर देना, आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो चैनल पर आती रहती है। चलिए बात करते हैं शंकर गौड़ा जी के बारे में, इनकी क्या हस्ती है और ये किस तरीके से लोगों की सेवा करते हैं। दोस्तों देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच में गरीबों की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ दिखावा करते हैं, बोलते हैं कि मेरे पास अगर ये साधन होता तो मैं गरीबों की ऐसी सेवा करता, ये करता, वो करता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जिसकी नीयत अच्छी होती है, जिसका सच में मन होता है लोगों की सेवा करने का, तो किसी भी परिस्थिति में हो, उसकी कैसी भी स्थिति हो, वो लोगों की सेवा करने से पीछे नहीं हटता है। तो जो हमारे शंकर गौड़ा जी हैं, ये MBBS और MD हैं, यानी कि डॉक्टर हैं ये। तो ये गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, जो इनका गांव है वो शहर से कुछ गांव हटकर थोड़ा अलग है। तो इनको लोगों की सेवा करनी है, तो इन सबको पता है कि जो गरीब लोग हैं उनको शहर से इनके गाँव में आने में दिक्कत होती है, जो आस पड़ोस के जो गाँव हैं उनको इनके गांव तक आने में दिक्कत होती है। तो ये क्या काम करते हैं, ये सुबह 8 बजे अपने घर से निकल के शहर में पहुंच जाते हैं, और वहां पर एक दुकान है, उस दुकान की छोटी सी दीवार बनी हुई है, उस पर बैठ करके ये लोगों की सेवा करते हैं। करते क्या है कि वहां पर सुबह सुबह इनके लिए जो मरीज आते हैं उनकी लाइन लग जाती है, और सुबह 8 बजे से ही उनको देखना शुरू कर देते हैं, उनका परीक्षण करते हैं, उनको सस्ती सस्ती उनकी दवाइयाँ लिखते हैं। और सबसे मजेदार जो बात है इनकी ये है कि इनकी जो फीस है वो भी सिर्फ 5 रुपये है, और ये दवाई भी सिर्फ ऐसे लिखते हैं कि जो सस्ती से सस्ती आए और इनका काम बहुत कम में चल जाए, क्योंकि जो इनका जो उद्देश्य है वो सिर्फ लोगों की सेवा करना है। ऐसा नहीं है कि ये पैसा कमाना है, कि ये महंगी महंगी दवाई लिखेंगे तो उनको मेडिकल स्टोर से भी कमीशन मिलेगा, या महंगी महंगी जाँच लिखेंगे तो उनको कमीशन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ 5 रुपये फीस लेते हैं, इनका कोई एक्स्ट्रा कोई ऐसा कमीशन कुछ नहीं है, क्योंकि लोगों की सिर्फ सेवा करना चाहते हैं। और जो इनका कहना है वो ये है कि इनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो गांव में या शहर में कोई बड़ा क्लिनिक बना सकें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि क्लिनिक बनाने में 5-10 लाख रुपए आराम से लग जाएंगे अगर आप छोटा क्लिनिक भी बनाएंगे। तो इससे अच्छा ये क्या काम करते हैं कि इनके पास तो पैसा है नहीं, ये आते हैं शहर में किसी दीवार पर बैठ जाते हैं और वहीं से लोगों की जाँच शुरू कर देते हैं। गरीब लोग जितने भी होते हैं उन सबको दवाइयाँ लिखते हैं, उनकी सारी सेवा सिर्फ 5 रुपये में ही करते हैं। तो सुबह सुबह इनके लिए जो लोग आते हैं वो लाइन लगा कर खड़े रहते हैं। दोस्तों देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी भी परिस्थिति में सेवा कर रहे हैं, लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं है, ये MBBS है, चाहे तो किसी भी क्लिनिक में बैठ कर या किसी डॉक्टर के साथ मिलकर के अच्छे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ सेवा करने के लिए इन्होंने MBBS करी है और गरीब लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, और शंकर गौड़ा जी की जो कहानी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर देना, आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो चैनल पर आते रहेंगे।